रायपुर में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। राजधानी में रोजाना 4 से 5 चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अलग अलग जिलों के चोर गिरोह राजधानी में सक्रिय हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी में ठंड का मौसम शुरू होते ही चोरी की वारदात बढ़ते जा रही है। बात करें तो साल भर में 1200 से ज्यादा चोरी की वारदात अब तक हो चुकी है। पुलिस के हाथ अब भी खाली है। कई मामलों के सीसीटीवी फुटेज आने के बावजूद पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में खुलासा। राजधानी रायपुर में चोरों ने कहर बरपा रखा है। ताजा मामला सुंदर विहार इलाके के टीचर्स कॉलोनी के घर का है, जहां चोरों ने भिखारी बनकर रेकी की और जब देखा कि घर के ज्यादातर सदस्य नहीं हैं, तो घर में एंट्री लेकर नकदी समेत जेवरात ले उड़े। हालांकि वारदात अंजाम देते वक्त बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, पर पुलिस अब इनका सुराग पाने में नाकाम रही है। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी झलक साल दर साल होने वाली चोरी की घटनाओं से मिल जाती है। आइए एक नजर डालते हैं इन आंकड़ों पर। राजधानी में चोरी की वारदात साल 2016 दर्ज हुए मामले 1157, साल 2017 1446, साल 2018 1492 मामले दर्ज किए गए, साल 2019 1548 मामले दर्ज हुए, 2020 में 1138 मामले दर्ज हुए, 2021 में 1548 मामले दर्ज किए गए, 2022 में अब तक 1240 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि चोरों के लिए रायपुर बेहद मुफीद साबित हो रहा है। पुलिस टीम गश्त तो लगा रही है, पर चोर ज्यादा चालाक साबित हो रहे हैं और उनकी नाक के नीचे लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में राजधानी की सड़कों पर चोर मस्त पुलिस पस्त का जुमला लोग सुनाने लगे हैं। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।